दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने स्पोर्ट्स चैनल पर। आज आईपीएल का 31वां मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी के बीच में होने वाला है और ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है और यहाँ की पिच काफ़ी हेल्प करती है बॉलर्स को, जो पेसर्स होते हैं उनको हेल्प करती है और बैटिंग फील्डिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ का एवरेज स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा है फर्स्ट इनिंग का। चलिए बात कर लेते हैं अब वैसे कुछ रिकॉर्ड्स और स्टेट्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन और प्ले स्क्वाड पर दोनों की टीम का दूंगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों की प्ले इलेवन और कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रीव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें से प्रीव्यू क्या हो सकती है। तो ये मैच 21वां मैच है आईपीएल का, मुंबई में होने वाला है। टोटल 70 मैच हो चुके हैं इस ग्राउंड पर वानखेड़े स्टेडियम में और 35-35 फर्स्ट बैटिंग 35 सेकंड बैटिंग फर्स्ट, मतलब बराबर विन किए हुए हैं। लेकिन 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 लास्ट जो 6 मैचेस जो चेज किया गया है इस ग्राउंड पर, 4 विन किए हैं और लॉस किए हैं मात 2, मतलब कुछ अब चेंज हो चुका है दोस्तों। तो आप 2019 का आईपीएल का यहाँ एवरेज इनिंग का फर्स्ट स्कोर क्या 192 है और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 174 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हाई स्कोर चेंज किया गया 200, हाई स्कोर किया गया 235, इसमें आरसीबी नहीं बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दोस्तों ये मुंबई इंडियंस बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच मानी जाती है और पेसर्स को हेल्प करती है विकेट लेने में। हाई स्कोर चेज किया गया 198, 7 विकेट होकर मुंबई इंडियंस ने बनाया था पंजाब के खिलाफ में। दोस्तों बात कर ले कुछ और ख़ास बातें, मुंबई इंडियंस लास्ट T20 इस ग्राउंड पर अगेंस्ट आरसीबी के खिलाफ जीती थी। और कुछ और बात कर लें, जो लास्ट 8 IPL हो चुके हैं और 8 मैच हो चुके हैं मुंबई के खिलाफ, जब मुंबई में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में, उसमें आरसीबी ने मात्र 3 जीता है और मुंबई इंडियंस ने 5 जीता है, मतलब यहाँ मुंबई इंडियंस का दबदबा रहता है। और मोस्ट रिसेंट बात कर लेते हैं तो पता ही है पिछला मैच आरसीबी विन करा रही है और 6 मैच के बाद विन की दोस्तों, और मुंबई इंडियंस भी अच्छा कर रही है। आप देख सकते हैं पिछला मैच हारी थी और बाकी 3 मैच जीती थी और उससे पहले पहला मैच भी हार गई थी दोस्तों। और बात करें लास्ट 5 हेड टू हेड दोनों के बीच में मुंबई इंडियंस 4 जीती, आरसीबी 1, यहाँ पड़ा मुंबई इंडियंस भारी है। तो आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस में भी मुंबई में मुंबई इंडियंस ज़्यादा जीती है और 5 हेड टू हेड की बात करें तो उसमें भी मुंबई इंडियंस ज़्यादा जीती है, तो पड़ा मुंबई इंडियंस का ही भारी है दोस्तों। कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोहली इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छे खेलते हैं, 8 इनिंग में 322 मार चुके अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। और रोहित का भी स्कोर काफ़ी अच्छा होता है इस ग्राउंड पर, 63 T20 में इतना रन मार चुके हैं आप देख सकते हैं इसी ग्राउंड पर। रैना का तो ये नहीं है, यादव ने भी 20 इनिंग में 5 सिक्की से मारे हैं और मलिंगा ने पूरे 61 विकेट निकाले हैं दोस्तों, पूरे 61 विकेट निकाले हैं इसी ग्राउंड पर मुंबई में। कुणाल पांड्या का भी स्कोर अच्छा है, अब पूछे 3 इनिंग का देखें तो अगेंस्ट आरसीबी के खिलाफ 7 विकेट निकाल चुके हैं। और लास्ट मैच जो आईपीएल का हुआ था इस ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, तो उसमें मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 187 रन मारे थे 5 विकेट खोकर, इसमें डिकॉक ने 81 पारी खेली, रोहित 47 और आर्चर ने 3 विकेट लिए थे। और बात करें राजस्थान रॉयल्स की ओर से तो आराम से विन की, 19 ओवर 3 ओवर में रन चेज कर लिए 188 6 विकेट खोकर, इसमें बटलर ने 89 पारी खेल दी, रहा ने 87 और इसमें कुणाल पांडे ने 3 विकेट निकाले थे, बुमराह ने 2 विकेट। और बात कर ले इस मैच में टोटल 4 विकेट स्पिनर निकाले थे, 7 विकेट पेसर्स निकाले थे, आप देख सकते हैं यहाँ 6 विकेट यहाँ 5 विकेट, 6 5 11 मतलब टोटल 11 विकेट गिरे थे, उसमें से पेसर्स ने 7 विकेट और स्पिनर 4 विकेट। और जो इस आईपीएल इस सीजन का आईपीएल जो मैच हुआ है 1 2 3 और 4 मैच हो चुके हैं, तो अब यहाँ देखिए दोस्तों तो पेसर्स ने 9 विकेट और स्पिनर 1 विकेट, पेसर्स ने 11 विकेट स्पिनर 2 विकेट, पेसर्स ने 12 विकेट स्पिनर 2 विकेट, मतलब इस आईपीएल में टोटल 39 विकेट पेसर्स ने ले चुके हैं और 9 विकेट ले चुके हैं स्पिनर है, मतलब आप यहाँ पेसर्स को काफ़ी हेल्प करती है दोस्तों ये पिच मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम। वेदर क्लियर रहेगा, पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, हेल्प फॉर पेसर्स चांसेस मुंबई इंडियंस जितने चांसेस हैं। और कुछ बात कर ले प्लेयर बैटर के बीच में, तो कुणाल पांड्या बार बार आउट कर देते हैं एबीडी को और मिशेल मैकलान भी आउट करते हैं कोहली को, बार बार 4 बार आउट कर चुके। दोस्तों आज मिचेल मैकलान को खिलाया जा सकता है
जेसन मेंडोप के स्थान पर, एंड पोलार्ड को आउट कर देते चहल बार्बर, चार बार आउट कर चुके हैं। तो ये हो सकती है प्रीव्यू है दोस्तों, इतनी से मेहनत, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों इतनी रिकॉर्ड्स निकालने में, मेहनत स्टेट्स निकालने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, प्लीज़ 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 लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आरसीबी प्लेयर दे सकते हैं, पटेल है, कोहली है, एबीडी है, स्टोनिस है, मोइन अली है, पवन नेगी है, नाथ है, सैनी है, उमेश यादव और सिराज और डेलिसन। तो दोस्तों सिराज और डेलिसन मुझे नहीं लगा था ये खेलेगा, पिछला मैच सिर्फ 3 फॉरन प्लेयर्स खिलाए थे इंडिया सैनी इंडियन प्लेयर है। तो यहाँ डेलिसन को खिलाया जा सकता है मोहम्मद सिराज के बदले, तो ये कुछ एक चेंज हो सकते हैं। बात कर ले बुमरा इंडियंस की प्लेइंग 11, तो बुमरा इंडियंस की प्लेइंग 11 में डिकॉक है, रोहित शर्मा, यादव है, ईशान किशन है, पोलार्ड है। पोलार्ड को फिर से बैटिंग में ऊपर भेजा जा सकता है हिट करने के लिए। फिर कुणाल पांडे, हार्दिक पांडे, राहुल चहर, मलिंगा मलिंगा को इसमें खिलाया जा सकता है क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है इस ग्राउंड पर। और जेसन मेंडो को बदले खिलाया जा सकता है मिचेल मैकलान को, अगर रोहित शर्मा सोचे कि मैकलान विकेट देते हैं रोहित कोहली के, तो इसीलिए बेंडो की जगह खिलाया जा सकता है, मिचेल मैकलान खिलाया जा सकता है। कुछ चेंज जरूर हो सकते हैं, चलिए देखते हैं, फिर भी मैं आपको अपडेट करूँगा। चलिए बात करें प्ले स्पॉट टीम की, तो दोस्तों जिन भाइयों ने अपना प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से साइनअप कीजिए, रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिएगा, वरना आपको बोनस नहीं मिलेगा 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ आपको बोनस मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिएगा। तो एक और बात दोस्तों, और ये 100 रुपीज़ आप कोई भी लीग में लगा सकते हैं क्योंकि 100% बोनस यूजिबल है। जी दोस्तों 100% बोनस यूजिबल है, और ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो 100% बोनस यूज़ करने देता है, देता भी है तो ओनली ग्रैंड लीग में देता है, लेकिन ये ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको कोई भी लीग में यूज करने देता है, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, जो भी अब मेंबर वाली खेलते हैं सब में यूज होता है बोनस, 100% बोनस यूज होता है। एक और खास बात है, आप दो लीग खिलवाता है, टॉस से 5-10 मिनट पहले इसकी लीग खत्म हो जाएगी, इसमें आपको प्लेन नहीं पता चलेगी। एक और लीग है जिसमें आपको टॉस के बाद टीम एडिट कर सकते हैं प्लेन में मिलने के बाद, तो जिसको जो पसंद है वो खेलिए दोस्तों। आप पेटीएम विड्रॉ मात्र 5 सेकेंड के अंदर आ जाता है, और बैंक अकाउंट में विड्रो भी दो ऑप्शन पॉइंट अकाउंट के, अगर आप चाहे 5 सेकंड अंदर विड्रो कर सकते हैं, और एक है 1-2 दिन विड्रो लगते हैं, जिसको आप जो पसंद है वो कर सकते हैं। चलिए टीम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों जो ये टीम दूंगा ये टॉस से पहले वाली, इसमें आपको टीम एडिट नहीं कर सकते। एक और न्यूज़ आ रही है कि डेल स्टेन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं आरसीबी की स्क्वाड में, और एक और न्यूज़ है जोसेफ वो भी ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि इंजर्ड हो चुके थे, तो वो भी नहीं खेलेंगे। तो आप इनको अलजारी जोसेफ को, बॉलर जो है अलजारी जोसेफ, इनको मत लीजिएगा, नहीं खेलेंगे दोस्तों, इंजर्ड हो चुके हैं। तो विकेट कीपर में पार्थिव पटेल, डिकॉक सेफ ऑप्शन में, दोनों सेफ ऑप्शन में, मैं यहाँ जाना चाहूँगा डिकॉक के साथ। आप चाहे पटेल को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी क्रेडिट कोई, फिलहाल मैं डिकॉक के साथ जाना चाहूँगा। बॉलर में भी जाऊँगा हार्दिक पांड्या, सॉरी ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, एंड यहाँ से मोइन अली के साथ जाना पसंद करूँगा। आप चाहे स्टोनिस को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा। बैट्समैन में डिविलियर्स को पिक करूँगा सबसे पहले, विराट कोहली पिक करूँगा सबसे पहले, फिर यहाँ से शिवकुमार यादव को पिक करूँगा, यहाँ से मैं रोहित शर्मा को मिस करूँगा। आप चाहे पिक कर सकते, क्रेडिट मैनेज करना है तो आप चाहे फिलहाल अभी पिक कर लेता हूँ, लेकिन क्रेडिट की काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया क्योंकि क्रेडिट काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने पोलार्ड को पिक कर लिया है, बॉलर में मैंने पिक किया हुआ है कहाँ गया राहुल चहर को, एंड यहाँ से नदीप सैनी को, एंड यहाँ से पिक करूँगा जसित बुमराह को। आप बुमराह को नहीं लेना चाहते, आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं चहल को, जो काफ़ी अच्छे विकेट लगातार टेक कर रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ चेंज करना चाहे कर सकते हैं, पवन नेगू को भी ले सकते हैं, एंड यहाँ से उमेश यादव को भी पिक कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप मलिंगा को पिक कर सकते हैं जो जरूर खेलेंगे। आप एक काम कीजिए दोस्तों, मलिंगा को ही पिक कीजिए, कहाँ गए चहल को हटाइए, मलिंगा को, मलिंगा आज जरूर खेलेंगे, तो आज मलिंगा को ही पिक कर लीजिए। और यहाँ से मुंबई के राहुल चहर को हटाइए, तो दोस्तों मैं मलिंगा को पिक कर रहा हूँ, तो
क्रेडिट मैनेज नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से चहल को पिक करना ठीक रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने डिको को पिक किया, हार्दिक को, कुणाल पांड्या, मोइन अली, सैनी, चाहुल चहल को और राहुल चहर को, युजवेंद्र चहल को, डेविलियर्स को, पोलार्ड को एंड यादव को, विराट कोहली कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन में रहेंगे, हार्दिक पांड्या। तो ये टीम रहेगी दोस्तों मेरी प्ले स्पॉट की, जो टॉस से पहले वाली, इसमें वो टीम एडिट नहीं कर सकते। और एक और टीम में मैं दूंगा टॉस से बाद वाली, उसके लिए अब मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम भी फाइनल नहीं होगी, क्योंकि टॉस के बाद टीम एडिट होगा, वहाँ पर मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल और अपने दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, इसलिए आपको प्लीज़ ज्वाइन कर लें, मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों यहाँ विकेट में डिकॉक है, पार्थिव पटेल, आप पार्थिव पटेल लेना चाहे क्रेडिट मैनेजर के ले सकते हो पटेल को, लेकिन मैं डिकॉक ही पसंद करूँगा। विराट कोहली, डिविलियर्स, रोहित शर्मा को पिक करूँगा एंड यहाँ से सूर्य कुमार यादव या पुलाड में से किसी को ले लीजिए, फिलहाल मैं जा रहा हूँ यादव के साथ, बाकी आप ईशान किशन को पिक कर सकते हैं। और आने बात कर हार्दिक पांड्या, मार्कस स्टोन, मोइन अली को पिक कर रहा हूँ, यहाँ से बॉलर में पिक करूँगा यहाँ से सैनी चहर, एंड मुझे यहाँ से ड्रॉप करना हो तो मुझे यहाँ तो दोस्तों पार्थिव पटेल लेना पड़ रहा है, क्रेडिट मैनेज करनी है। और दोस्तों फिर बोल रहे फाइनल टीम नहीं है, और कैप्टन सॉरी एक और बॉल लेना है मुझे यहाँ से, ले रहा हूँ मलिंगा को, ले रहा हूँ मलिंगा को। तो ये टीम रहेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं पटेल है, डिविलियर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, यादव, स्टोनिस, मोइन अली, हार्दिक पांड्या, सैनी, मलिंगा, चहर। दोस्तों ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑलराउंडर में पिक करने के कुणाल पांड्या को पिक कर सकते, जैसे आप यहाँ से डायरेक्ट हटाइए स्टोनिस को, कुणाल पांड्या को पिक कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ से आप हटा लीजिए, पार्थिव पटेल हटाइए, डिको को पिक कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से बॉलर में बहुत सारे आप मलिंगा को हटाइए और चहर को पिक कर लीजिए, बुमराह को पिक कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये फाइनल टीम नहीं है मेरी, क्योंकि टॉस के बाद मैं टीम फाइनल बनाता हूँ, क्योंकि टॉस के बाद कोई ना कोई ज़रूर मिस हो जाता है मेरी टीम में, और अच्छी टीम बनाने के लिए प्लेन आना जरूरी है, तो होता है दोस्तों कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन सेम हार्दिक पांड्या, ये सेव होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग। दोस्तों एक और कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पेटीएम कैश देना चाह रहा हूँ 500 रुपीज़ की, और आपको इसको मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा, और सवाल है प्ले स्पॉट के हिसाब से कितने पॉइंट अर्न करेंगे लेंगे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा मतलब कितने पॉइंट लेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा मैच स्टार्ट पहले 8 घंटे पहले, 8 रात को 8 बजे से पहले आपको कमेंट करना होगा सही जवाब, कितने पॉइंट लेंगे रोहित शर्मा प्ले स्पॉट पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। आप प्ले स्पॉट पॉइंट हिसाब से चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको साइनअप करना ज़रूरी होगा। तो एक बार जरूर जो है कि 500 रुपये फ्री दूंगा पेटीएम अपनी ओर से। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।